हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, इस वीडियो को सभी विद्यार्थी अंत तक देखें। और जो विद्यार्थी इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हैं, वो विद्यार्थी अपने सभी साथी विद्यार्थियों को वीडियो को शेयर करें। हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि खाद्य सुरक्षा भर्ती 2022 को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार ने 200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। आरपीएससी ने 2023 में इसका एग्जाम लिया। आरपीएससी ने इस भर्ती का अंतिम परिणाम 2024 में जारी किया और चयनित विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन भी हो गया और उनके डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया काफी हद तक पूर्ण हो चुकी है। अब अगर इस भर्ती प्रक्रिया में अगर कुछ बचा है तो वो बता है उनकी नियुक्ति, और नियुक्ति का मामला काफी पेचीदा दिनों दिन होता जा रहा है और विद्यार्थियों की मांग लगातार यह है कि हमें नियुक्ति दी जाए। तो विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल जायज है और बिल्कुल नियमों के अनुसार है। अगर हम बात करें इस भर्ती के कुछ नियमों की, तो देखिएगा इसमें कुछ विद्यार्थियों की निश्चित योग्यता की गई है कि जैसे आपके कोई बीबीएमएससी है, कोई बीएससी एग्रीकल्चर से है, कोई माइक्रोबायोलॉजी से है, तो जो एलिजिबल क्राइटेरिया वाले जो विद्यार्थी हैं वो चयन होकर के अंतिम रूप से अपना इंतजार कर रहे हैं। और उन विद्यार्थियों के हृदय पर किस प्रकार का कुठाराघात होता होगा और उनके परिवार पर उन पर किस प्रकार की व्यथा बीतती होगी जब अंतिम रूप से चयन हो जाता है और विद्यार्थी को नियुक्ति नहीं दी जाती है। नियुक्ति नहीं मिलने का कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। कुछ ऐसे सेल्फिश लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी चिकित्सा विभाग में कौन, यानी कि किसी मूल डिपार्टमेंट में दूसरे में है, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर आपके चिकित्सा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य कर रहे हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों राजस्थान सरकार ने अंतिम रिजल्ट निकाल दिया, वो विद्यार्थी तैयार हैं। तो आप उन विद्यार्थियों को या तो बाहर करें या जो उनकी नियुक्ति है वो आप उन विद्यार्थियों को जो दूसरे विद्यार्थी बैठे हैं उनको दी जाए। और इसी मांग को लेकर के विद्यार्थियों ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था सरकार से, और जिसको कह सकते हैं इस बार भी 12 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे शहीद स्मारक जयपुर में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। और विद्यार्थियों की, जिसको कह सकते हैं, शांतिपूर्वक मांग, विद्यार्थियों की कानूनी रूप से एकदम सही और उचित मांग पर विद्यार्थी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी 200 विद्यार्थियों को इस धरने प्रदर्शन में शांतिपूर्वक भाग लेना चाहिए। और विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी एकजुट होकर के अपनी मांग को, जो राजस्थान सरकार है भर्ती प्रक्रिया और विद्यार्थियों के हितों के लिए इस समय पूर्ण रूप से, जिसको कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के फेवर की बात करने वाली सरकार जो है, तो आप विद्यार्थी सभी मिलजुल करके अपने इस मुद्दे को, अपने इस मांग को और अपने इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शहीद स्मारक पर, 12 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है, प्रातः 8:30 बजे का समय रखा गया है, जिसमें काफी कुछ कार्यक्रम विद्यार्थियों के द्वारा किए गए और इसमें कुछ विद्यार्थी काफी एक्टिव होकर भी कार्य कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को एक बार पुनः बधाई। और इस भर्ती प्रक्रिया को यहां तक पहुंचाने वाले विद्यार्थियों में जैसे काफी विद्यार्थी खूब प्रशंसनीय है, वो बधाई के पात्र हैं कि सिर्फ उन विद्यार्थियों की वजह से ये भर्ती यहां तक पहुंची है। तो अब बचे हुए बाकी विद्यार्थी, क्या अब आप अभी भी सोते रहेंगे या आप अभी भी कुंभकर्णी नींद में ही सोते रहेंगे? अगर आप अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोते रहेंगे तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप इस भर्ती की बात करें। फिर आपके लिए रास्ता है कि आप किसी और भर्ती की तैयारी करें और अपनी इस भर्ती को आप यहीं पर पूर्ण समझें। अगर आप वास्तव में ही इस भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मांग को लेकर के, जो विद्यार्थी 12 नवंबर को जो एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भाग लें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उसमें जुड़े और अपनी सही मांग को वाकई में सरकार तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से सरकार आप सभी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य भी करेगी। तो एक बार पुनः बता दूं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 की अंतिम नियुक्ति को लेकर के विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर के 12 नवंबर को धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी वहां पहुंचे और आपसी सभी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के जाएं तो भी जरूर पहुंचे। तो आप सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की, आपके इस धरने प्रदर्शन की सफलता के लिए मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे और जायज तरीके से रखेंगे और निश्चित रूप से आपकी मांगों पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद।